हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग फ्रेंड, स्वागत है हमारी आज की एक और न्यू खास वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि ये आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगी, जैसे कि मैं रोज बोलता हूँ। तो फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा PGT टूल, जो फ्रेंड हमारे जो कुछ यूज़र्स है जो कॉन्फ़िग यूज़ नहीं करते, तो मैं उनके लिए एक GFX टूल की सेटिंग और एक न्यू अपडेटेड वर्जन लेके आया हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी फ्रेंड, वीडियो पूरा देखना। अगर आपकी सेटिंग्स थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो आपके फ्रेम ड्रॉप्स ज़्यादा होंगे और लैग और बढ़ जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपके पास भी रेडमी नोट 8 प्रो है तो कमेंट करके बताना, और कमेंट्स में और भी कुछ अच्छा लिख देना यार, कि तुम्हारे भाई का दिल खुश हो जाए। तो फ्रेंड, वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है डाउनलोड करना, और फ्रेंड्स लिंक्स पे थोड़ा ऐड लगा रखा है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि भाई को थोड़ी अर्निंग की ज़रूरत है, तो समझना। तो फ्रेंड चलते हैं हमारी PGT टूल के अंदर डायरेक्ट। तो फ्रेंड डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल जो भी कर लेना, आप इसको गेम एंड आपको सिलेक्ट करना है 1.2 जो हमारा अभी करंट वर्जन चल रहा है। बेसिक्स ग्राफिक्स पे जाना है फिर फ्रेंड समझना। रेजोल्यूशन फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज भर रखा है तो फिर इसको रेजोल्यूशन को कम में रखिए। अगर आपका स्टोरेज थोड़ा लो है, मतलब 60% 50% है, तो उसके रेजोल्यूशन हाई कर लो। मेरा लो ही है, मतलब ज़्यादा भरा हुआ नहीं है। गेम ग्राफिक्स को आपको स्मूदी रखना है, जैसे आपको पता है अल्ट्रा HD ग्राफिक, इसको मत छेड़ना। आपको FPS करना है फ्रेंड एक्सट्रीम, क्या करना है एक्सट्रीम 120, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके, जो आपके FPS है वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं होंगे, जैसे कि मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ। एंड स्टाइल में आपको क्लासिक ही सिलेक्ट करना है, और शेडो जो है MSS है, इनको आपको डिसेबल रखना है हमेशा की तरह। फिर चलते हैं हमारी दूसरी सेटिंग एडवांस ग्राफिक्स में। मेमोरी बूस्ट को आपको फ्रेंड्स ऑलवेज ऑन रखना है, एंड जीरो लैग मोड को ऑफ ही रखना है, क्योंकि फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, आपको जीरो लैग मोड को ऑन करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ सेटिंग मिलती है स्मूथ, इसको तो ये काम की नहीं। जो जीरो लैग प्रोफाइल है ये फिर मैक्स FPS पे चली जाती है, फिर फ्रेंड हमारी जो हम अल्ट्रा पे खेलते हैं या अल्ट्रा पे खेलना चाहते हैं तो फिर हमें वो हमारे एक्सट्रीम पे ही रहेगी। फिर अगर आप अल्ट्रा पे खेलना चाहते हो तो इसको ऑफ ही रखो, अगर आप एक्सट्रीम खेलना चाहते हो, अगर एक्सट्रीम करके खेलना चाहते हो फुल परफॉर्मेंस और मैक्स FPS के साथ, तो इसको अनेबल कर दो। फ्रेंड मैंने मतलब जितना यूज़ किया उसमें मेरे को लैग ही मिला है, ऑफ करने के बाद इतना लैग नहीं होता था। एंड फ्रेंड हार्डवेयर एक्लेटेड रेंडरिंग, इसको फ्रेंड आपको इम्प्रूव गेम क्वालिटी पे करना है, ठीक है। एंड एडवांस GPU को आप फ्रेंड डिफ़ॉल्ट ही रखना है, ओके। एंड पोटैटो ग्राफिक आपके वर्क नहीं करेगा रेडमी नोट 8 प्रो में। अगर आपको पोटैटो ग्राफिक की कॉन्फ़िग चाहिए तो मैंने वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड, जो हमारी मेन सेटिंग जो मिस हो गई, कलर फॉर्मेट को आपको डिफ़ॉल्ट ही रखना है, इसको आपको लो कर देना है। एंड जो भी है इसको फिर लो ही रखना है, ये क्योंकि हमारी जो लाइटिंग इफेक्ट है उनके बारे में, तो इनको लो ही रखना चाहिए। एंड फिर हमारे गेम को करना है अप्लाई और हमारे गेम को करना है रन। तो फिर मैं इसको अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी आपको पता है मैं कॉन्फ़िग यूज़ कर रहा हूँ। अगर फिर आपको भी कॉन्फ़िग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी भी, एंड वीडियो मिल जाएगी कैसे अप्लाई करना और कैसे चलाना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप भी आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।